दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल और लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, अर्थात आप बिना डेटा केबल को यूज़ किए अपने मोबाइल और लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और दोनों के बीच में फ़ोटोज़, वीडियोस या फिर किसी भी टाइप के फाइल्स को शेयर कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मेरे मोबाइल का सारा फोल्डर लैपटॉप में दिखाई दे रहा और इन फोल्डर्स में से मैं कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर किसी भी टाइप का फाइल अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्टोरेज में पेस्ट कर सकता हूं, इस तरह से फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूं। तो चलिए अब मैं आपको भी बताता हूं कि कैसे आप भी मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो बिना केबल के, ताकि आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सको। तो दोस्तों, अपने मोबाइल और लैपटॉप के बीच में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा, वो भी वायरलेसली। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बता रहा है वो सबसे आसान है और ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है वाईफाई FTP सर्वर। तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन को सर्च कर लोगे, वाईफाई FTP सर्वर मेधा ऐप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है और इसके डाउनलोड भी 10 लाख से ज़्यादा हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टार्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे ये एप्लीकेशन आपके सारे फाइल्स को मैनेज करने के लिए SSH मांगता है, तो सिंपली आपको इसे ऑन करके अलाउ कर देना है। यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करते ही यहाँ पर आपको एक सर्वर URL दिखाई देगा, ये URL। बस आपको इसी चीज़ की ज़रूरत होगी अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया अपने कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल और लैपटॉप सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, अर्थात या तो किसी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर कोई वाईफाई नहीं है आपके पास, तो आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट क्रिएट करके लैपटॉप को कनेक्ट कर लोगे। अगर आपको अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट क्रिएट करके लैपटॉप से कनेक्ट करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, सिंपली आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है। मैं इसको फुल टैब में मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साइड में आपको दिस PC दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर का ड्राइव्स दिख जाता है, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव। यहाँ पर आने के बाद इस खाली स्पेस में आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड ए नेटवर्क लोकेशन ये दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन आपको दिस PC पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे ही राइट क्लिक करने पे शो होगा। आपको इस पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको वो URL इंटर करना है जो कि आपको मोबाइल में दिखाई दिया था, अर्थात सर्वर URL सेम टू सेम आपको टाइप कर देना है। सेम टू सेम सर्वर URL टाइप कर दिया है जो कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में दिखा था। नेक्स्ट कर लेना है, अगेन नेक्स्ट कर लेना है और फिर से नेक्स्ट कर लेना है, फिनिश पे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हो कम्प्लीटली मुझे मोबाइल के फोल्डर्स दिखाई दे देते हैं। आप देख सकते हो, अगर मैं इस टैब को क्लोज भी कर दूं और यहाँ पे दिस PC में आऊँ तो दिस PC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली मेरे कंप्यूटर के ड्राइव्स दिख जाते हैं और यहाँ पे मुझे अपने मोबाइल का फोल्डर्स दिख जाता है। इस पे क्लिक करके मैं अपने मोबाइल में जो भी फोल्डर्स हैं उसको देख सकता हूँ और कहीं से मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना हुआ तो वो भी कर सकता हूँ। मान लो अपने मोबाइल के इस फोटोज़ वीडियोज़ फोल्डर में मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रखे हैं और कुछ फाइल भी रखे हैं, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको अब कॉपी कर सकता हूँ और अपने PC में डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकता हूँ।